प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के जिस तरीके का विरोध दिखा वो इतना उग्र हो गया कि पत्थरबाजी हुई, हिंसा के हालात हो गए, आगजनी की गई और प्रयागराज के इसी अटाला चौराहे के इलाके में जो कल तस्वीरें थी वो इस तरीके से थी जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल और पत्थरबाजों के बीच में संघर्ष हुआ। लेकिन आज की तस्वीर अलग है, हम आपको आज की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में नजर आ रही है। यहाँ पे आरएएफ के जवान और यूपी पुलिस के जवान मौजूद है और बड़ी संख्या में इन जवानों ने यहाँ पर अपनी मुस्तैदी दिखाई है। यही नहीं, आज इन इलाकों में एक नई तस्वीर भी दिखाई थी जहाँ पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची और उन 37 अभियुक्तों के नाम उस फहरिस्त में थे जो इस पत्थरबाजी में शामिल थे। उनके घरों को, उनकी प्रॉपर्टी को और उनके इस रिहायशी इलाके में मकानों की जांच की गई है। मानचित्र के साथ में ये राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचे जिसमें साफ तौर पर इस बात की तस्दीक की जा रही थी कि अगर अवैध निर्माण है, किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट है या फिर किसी भी तरीके से अगर इस पूरे इलाके में, चूंकि पूरा जो बवाल था आप सामने देखेंगे यही वो जगह है जहां से पत्थरबाजी शुरू हुई थी, अभी फिलहाल इसे बैरिकेड किया हुआ है, जवान यहां मौजूद हैं, सुबह से यहां पर जो है पूरी तरीके से इसको सुरक्षा के घेरे में चाक चौबंद कर दिया गया पूरे इलाके को, तो जो इसमें जवान लगातार यहां पर डटे हुए हैं लेकिन उन पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं और इसी के लिए जो विभाग की टीम यहां पर पहुंची उसने कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक की है। जिसके बाद जिन जिन मकानों पर, जिन जिन अभियुक्तों पर इस तरीके की अवैध संपत्ति या इंक्रोचमेंट या कोई कब्जा पाया जाएगा उस पर बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पूरा ये बाजार है, हम आपको दिखाते हैं, ये पूरा बाजार खाली है, पूरे इलाके को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे दिन यहां पर कोई हलचल नहीं रही, जो रहवासी थे वो अंदर ही थे, बाहर नहीं निकले और पुलिस प्रशासन की गश्त लगातार रही। मौके पर एसएसपी ने भी मुआयना किया, डीएम भी यहां पर आए थे और उन्होंने पूरी सुरक्षा को जांच करते हुए यहां पर मौजूदगी अपनी दिखाई है। वहीं अब अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो 68 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुख्य जो आरोपी बताया जा रहा है मोहम्मद जावेद, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी के मुताबिक इस पूरे मामले में मोहम्मद जावेद की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि जावेद पेट्रोल पंप का भी मालिक है। बताया जा रहा है कि उसने ही कहीं ना कहीं इस पूरे साजिश को लेकर के इसको हिंसा को भड़काने और जिस तरीके से नौजवानों की इसमें मौजूदगी थी उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात कही है। इसके साथ ही साथ कुछ सोशल मीडिया पर उसके पोस्ट और किस तरीके से वो हिंसा भड़काने का काम कर रहा था, व्हाट्सएप के जरिए भी कहीं ना कहीं कई तरीके के लिंक जो हैं वो पुलिस प्रशासन को मिले हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम बताए जा रहे हैं जो राजनीतिक संगठन से जुड़े हों, हालांकि AIMIM का नाम आया है, उसके जुड़े हुए कुछ लोगों को लेकर के कुछ लिंक यहां पर पुलिस अधिकारियों ने बताए हैं, लेकिन अभी खुले तौर पर ये नहीं बताया गया कि आखिर किस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से इनका इस पूरे मामले में क्या भूमिका है। और पुलिस किसी भी तरीके की संदिग्धता को नहीं नकार रही है जिसके मद्देनजर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। आप दूर तक अगर इलाकों में नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल आरएएफ की टुकड़ी यहां पर मौजूद है, वज्र वाहन यहां पर मौजूद है, यहां पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है और इस पूरे इलाके में सुरक्षा का इंतजाम रखा जा रहा है। तो वही लखनऊ की अगर बात करें तो वहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम आला अधिकारियों के साथ में बैठक की है, अलग अलग जिलों के एसएसपी और डीएम एसपी के साथ में संवाद हो रहा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी इस बात का दावा किया गया है और अब उम्मीद की जा रही है कि प्रयागराज, सहारनपुर और इसके साथ ही साथ मुरादाबाद और अन्य जगहों जहां पर ये घटनाएं हुई और जिसमें अभी तक अगर बात की जाए तो 236 से ज्यादा इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसको लेकर के प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि जो लोग इसमें आरोपी हैं, जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनको लगातार पकड़ा जा रहा है। वीडियो फुटेज जो निकाले गए थे उनके आधार पर शिनाख्त की जा रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी अवैध संपत्ति, नाजायज संपत्ति को गिराने का काम किया जाएगा और कहीं ना कहीं प्रयागराज में जिस तरीके की घटना हुई मस्जिद में के बाद में, साफ तौर पर अगर देखिए नमाज के बाद में जिस तरीके की पत्थरबाजी हुई और इस पूरे इलाके का जो मंजर था उसके बाद में अब प्रशासन कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर चुका है जिसको लेकर के गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और अब प्रयागराज में फिलहाल शांति नजर आ रही है। इस इलाके में फिलहाल के तौर पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में नजर आती है लेकिन किसी भी तरीके से पुलिस
और प्रशासन कोई भी कोताही ना बरतते हुए लगातार अपनी कार्रवाई को तेजी से पूरी कर रहा है। प्रयागराज से कैमरामैन संदीप दुबे के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।